Very good morning to all. I am Ravika from SIMT Nukoda. Today we are going to discuss types of life insurance plans. लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स जो हैं ये कितने तरह के होते हैं. सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस जो है ये बहुत ही फास्टेस्ट ग्रोइंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट है हमारे इंडिया में. ठीक है, इसमें जो है राइट होते हैं कि हम जो है ऑफरिंग करते हैं बेनिफिट्स जो कि हमारे इन्वेस्टमेंट के हैं साथ ही साथ इंश्योरेंस के हैं. इसमें जो है लाइफ होती है इंश्योरेंस पॉलिसी की, वो इंश्योर करती हैं और आपकी फैमिली को भी फाइनेंशियल सेफ्टी जो है वो क्या है. अब होते हैं यहाँ पे बहुत टाइप्स के जो हैं इंश्योरेंस प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं हमारे इंडिया में, और इसमें जो है अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस पॉलिसीज़ जो हैं वो हम ले सकते हैं जो कि हमें बाय करनी है. अब हम बात करते हैं टर्म इंश्योरेंस की. बोलते हैं टर्म इंश्योरेंस प्लान जो है ये प्योर प्रोटेक्शन होते हैं जो कि ऑफर करते हैं फाइनेंशियल कवरेज, और इसमें जो है पॉलिसी होल्डर जो है वो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में इसे बनाते हैं. अब बोलते हैं ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस का, क्योंकि ये जो है ऑफर करता है हाई कवरेज और इसमें जो है लो प्रीमियम हमें देखने के लिए मिलता है. इस टाइप में जो लाइफ इंश्योरेंस प्लान का होता है एक सम होता है जो कि एश्योर्ड होता है और ये पे किया जाता है नॉमिनी को, और इसमें पॉलिसी होल्डर जो है वो मर जाता है ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द पॉलिसी एंडोमेंट पॉलिसी. बोलते जैसे कि इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं एंडोमेंट पॉलिसी जो है वो पे करती है पॉलिसी होल्डर को. ठीक है, दोनों ही सिनेरियो में, चाहे वो डेथ करा या फिर सर्वाइवल कर रहा है. ठीक है, जैसे कि टर्म इंश्योरेंस प्लान में होता है इसमें वैसा नहीं होता कि जो प्लान मीन जिसने प्लान लिया होता है वो पे करता है. इसमें एंडोमेंट पॉलिसी जो है वो पे आउट करती है पॉलिसी होल्डर को. इस टाइप के लाइफ इंश्योरेंस जो है ये ऑफर करते हैं बेनिफिट जो है किसका, हमारी सेविंग्स का या फिर इंश्योरेंस का. अब बोलते हैं ये जो है पार्ट होता है प्रीमियम का, और ये एलोकेट किया जाता है कि लाइफ कवर जो है वो क्या है और इसमें जो है अदर पार्टी ने क्या इन्वेस्ट किया है. ठीक है, पॉलिसी होल्डर जो है ये एलिजिबल होता है कि उन्होंने रिसीव करना है लाइफ कवर को या एक्यूमुलेटेड बोनस को, और इसमें जो है मैच्योरिटी वो हमें देखने के लिए मिलती है, और इसमें स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम और डेथ जो है वो हम इंश्योर करते हैं. अब हम बात करते हैं मनी बैक पॉलिसी की. मनी बैक पॉलिसी जो होती है ये हमें एक पीरियोडिक पेमेंट जो है वो हमारे पॉलिसी होल्डर को देती है. मनी बैक पॉलिसी जो है ये एक पीरियोडिक पेमेंट जो है अपने पॉलिसी होल्डर को देती है, साथ ही साथ इसमें जो है सर्वाइवल या बेनिफिट जो है वो हम पे करते हैं अपने पॉलिसी होल्डर को अगर जो वो ज़िंदा रहता है. किसी केस में डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म, यानी कि उसकी पॉलिसी चल रही थी तो अगर उसकी डेथ हो जाती है तो नॉमिनी यानी कि उस पर्सन ने जिस पर्सन को अपना नॉमिनी सिलेक्ट किया है वो रिसीव करेगा फुल सम, और इसमें एश्योर किया जाएगा अलॉन्ग विद बोनसेस अगर जो कोई होगा. अब बोलते हैं होल लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है. बोलते हैं ये जो टाइप होती है इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस की, ये हमें एक कवरेज देती है पॉलिसी होल्डर को, और इसमें जो है जितना ज़्यादा वो सर्वाइव कर सकता है तो तब तक उसे इंश्योरेंस कवरेज जो है वो दी जाती है. अब बोलते हैं ये जो पॉलिसी होती है ये इसलिए प्रोवाइड की जाती है ताकि हम सिक्योर करेंगे एक इंडिविजुअल, ठीक है, कि जो है 100 ईयर्स या फॉर वो होल टाइम लाइफ टाइम जो है वो क्या रहेगा. बोलते इस टाइप ऑफ इंश्योरेंस में पॉलिसी होल्डर को रिक्वायर होता है कि उन्होंने पे करना है प्रीमियम जब तक कि उसकी डेथ नहीं हो जाती या स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम जो है वो नहीं होता. अब नॉमिनी जो है या फिर बेनिफिशरी जो है इसमें हम पे करते हैं सम, और इसमें एश्योर्ड किया जाता है कि बोनस या फिर डेथ ऑफ इंश्योर्ड पर्सन क्या रहेगा. बोलते जब भी हमने सर्वाइवल करना है तो जो एंड होता है हमारे पॉलिसी टर्म का या पॉलिसी होल्डर का वो रिसीव करता है मैच्योरिटी बेनिफिट, साथ ही साथ उसमें एक्यूमुलेटेड बोनसेस भी हमें देखने के लिए मिलते हैं. अब बोलते हैं यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स क्या होते हैं. इसको हम यूलिप प्लान्स भी कहते हैं, जिसमें पॉलिसी होल्डर का बेनिफिट जो है वो दोनों ही इन्वेस्टमेंट और लाइफ इंश्योरेंस के लिए हम देखते हैं. इसमें कुछ परसेंटेज होती है प्रीमियम की, वो हम यूज़ करते हैं लाइफ कवर के लिए, जबकि बैलेंस अमाउंट जो है वो हमने क्या करनी है, इन्वेस्ट करनी है. अब हम बात करते हैं पेंशन प्लान की. पेंशन प्लान को हम एक तरह का रिटायरमेंट प्लान भी कहते हैं, यानी कि ये वो प्लान होते हैं अगर कोई पर्सन जो है वो जॉब कर रहा है तो जब उसकी जॉब ख़त्म हो गई है या एक्सपायर हो गई है जॉब पीरियड, उसके बाद उन्हें जो है पेंशन दी जाती हैं ताकि वो अपना जो है एक सर्वाइवल जो है वो कर सकें. ठीक है, क्योंकि बुढ़ापे में उन्हें कोई जॉब नहीं होती और उनको जो है अपने आप को डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए मनी की ज़रूरत होती है. तो ये जो मनी होता है ये इनको पेंशन प्लान्स के द्वारा
दिया जाता है। इसे हम जो है रिटायरमेंट प्लान कहते हैं। पेंशन प्लान भी एक तरह की इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं कि कैसे आप एक स्टेडी इनकम फ्लो जो है वो आप रिटायरमेंट के टाइम पे जो है वो ले सकते हो। साथ ही साथ ही ये आपको हेल्प करते हैं कि आप कैसे जो है सेव करोगे अपनी इनकम को ताकि आप बिल्ड कर सको एक हेल्दी फाइनेंशियल फ्यूचर। नेक्स्ट जो है पेंशन प्लान। पेंशन प्लान जो होते हैं ये चाइल्ड प्लान होते हैं और ये जो है इंश्योरेंस प्लान भी होते हैं। ये आपको हेल्प करते हैं फाइनेंशियली सिक्योर करने में फ्यूचर अपने चाइल्ड का, और साथ ही साथ ये आपको हेल्प करते हैं बिल्ड करने में फाइनेंशियल कॉर्पस कि आपने कैसे जो है अपने फंड करना है अपने चाइल्ड की एजुकेशन के लिए या फिर उनके मैरिजेस के लिए या दोनों ही पर्पसेस के लिए। ये जो है आपको प्रोटेक्ट करते हैं चाइल्ड को किस केस में कि आपके पास जो है अनफॉर्चुनेट डिमाइस है, ठीक है, तो अगर जी समटाइम कुछ मिस हैपनिंग हो जाती हैं तो उसके लिए भी ये आपको सारी की सारी चीज़ें जो है वो क्या करते हैं प्रोवाइड करते हैं। ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही। ये जो था हमने टॉपिक किया टाइप ऑफ पेंशन प्लान्स। अगर जो कोई भी प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हो। टिल देन थैंक यू क्लास।